बाबर आजम और इमामुल हक को गालियां दी थी। और ऐसा दावा पाकिस्तानी टीवी चैनल ने किया बाबर आजम के हवाले से कि उस एब्यूज से नाराज होकर उन्होंने वो पाकिस्तान में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं फरीद अहमद। फरीद की तरफ से ही कहा जा रहा है कि उस मैच में वो एब्यूजमेंट वाला किस्सा हुआ था जिसके बाद काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो गई। आपको याद है पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम जो है वो सेकेंड वनडे मैच के बाद काफी ज्यादा खफा हो गए थे, बहुत एग्रेसिव हो गए थे और नाराज होकर मोहम्मद नबी के पास गए थे, जिसके बाद लोगों ने कहा यार बाबर आमतौर पर काम कूल कंपोज रहते हैं, लेकिन ये बिहेवियर उनका नहीं देखा। अब सेकेंड मैच वो था जिसमें टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मतलब उस मैच में वो जो शदाब खान को आउट किया गया फजल फारूकी की तरफ से, या उस मैच में एक नो बॉल का भी इशू हुआ था जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था कि नो बॉल थी दिया नहीं गया शदाब खान को लेकर, हालांकि अंपायरिंग को लेकर बहुत सारे इशूज जो है सीरीज में देखने को मिले, लेकिन तब यह माना गया था कि बाबर नाराज हो सकते हैं उस रनआउट को लेकर, वो नाराज हो सकते हैं उस नो बॉल को लेकर, और पाकिस्तान जब ये मैच जीतता है तो बाबर हाथ मिलाने की जगह सबसे पहले जाते हैं नबी के पास, राशिद के पास, वो कुछ शिकायत करते हैं, कुछ इशारा उशारा करते हैं, एंड देन काफी सीन क्रिएट होता है। लेकिन अब पता लगा कि वो सीन जो क्रिएट हुआ था वो एक्चुअली इस वजह से क्रिएट नहीं हुआ था क्योंकि नो बॉल थी या फिर फजल फारूकी ने रनआउट किया था, दैट वाज अ डिफरेंट इशू। इसको लेकर भी पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स ने ट्वीट मारा और अभी भी वो उसको लेकर लिख पड़ रहे हैं। लेकिन वो जो लड़ाई हुई थी वो दरअसल अफगानिस्तान की तरफ से एक खिलाड़ी ने बाबर आजम और इमामुल हक को गालियां दी थी, और ऐसा दावा पाकिस्तानी टीवी चैनल ने किया बाबर आजम के हवाले से कि उस एब्यूज से नाराज होकर उन्होंने वो पाकिस्तान में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं फरीद अहमद। फरीद की तरफ से ही कहा जा रहा है कि उस मैच में वो एब्यूजमेंट वाला किस्सा हुआ था जिसके बाद काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो गई। ये भी शॉकिंग है कि पाकिस्तान से विवाद होने के बाद और वो पूरे मामले में तमाम शिकायतों के बाद फरीद को अफगानिस्तान की इंटरनेशनल टीम से एशिया कप के लिए ड्रॉप कर दिया गया। इत्तेफाक वेल इतने मासूम इत्तेफाक अगर होते तो क्या होते, लेकिन ऐसा सच है कि उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। अब वो जो स्क्वाड घोषित किया गया अफगानिस्तान का उसमें टीम का हिस्सा नहीं। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये मासूम इत्तेफाक नहीं था, ये वजह थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बाबर आजम, इमामुल हक की, मोहम्मद नबी, राशिद खान और मैच रेफरी पायर्स, तमाम लोगों से शिकायत की यार एक खिलाड़ी कैसे हमें गाली दे सकता है, बाबर वैसे भी दुनिया के फिलहाल नंबर वन बल्लेबाज हैं और आप गालियां क्रिकेट में किसी को भी नहीं देते तो आप उन्हें गालियां क्यों देंगे, और इस वजह से भी ये सवाल जो है ये खड़ा हो रहा था। लेकिन जब स्क्वाड से बाहर हुए तो ये माना जा रहा है कि इसी वजह से शायद हुआ था। पोस्ट मैच तमाम लोग जो हैं वो काफी खफा हो गए थे, हाथ भी नहीं मिला रहे थे, नाराज थे। हालांकि बाद में ऐसा नहीं रहा, थर्ड मैच होते होते दोनों टीमों के बीच में काफी चीजें नॉर्मल हो गई। लेकिन समर टीवी है पाकिस्तान का जिसने ये बताया है अपने चैनल के थ्रू कि ये पूरा जो इंसिडेंट था सेकेंड मैच में काफी कुछ हो गया था इस वजह से था, और फरीद अहमद, बाबर और इमाम को जो गाली देते हैं उसको लेकर वहां रिएक्शन नहीं रहा, लेकिन राशिद नबी के पास गया। हालांकि उस दिन खबर आई थी कि राशिद खान ने इनसे कहा कि आप यहां से जाइए, और फिर उन्होंने बाबर से, इमाम से, पाकिस्तान की टीम से अपोलॉजी की। नबी की तरफ से भी कहा गया, नबी सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, 38 इयर्स ओल्ड, और दोनों टीमें जो है, दोनों प्लेयर्स जो एक्चुअली पाकिस्तान में खेलते हैं, इधर आते हैं उधर जाते हैं, तो काफी आना जाना जो लगा रहता है, इस वजह से भी रिश्ते जो इनके बेहतर हैं। हालांकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दो टीमें, मतलब मेरा ये मानना है कि बीते कुछ सालों में बड़ी राइवलरी के तौर पर निकली, मतलब अब ऐसा नहीं कि कोई छोटी बड़ी टीम है, अब दोनों टीमें जब भिड़ती हैं तो काफी गहमा गहमी देखने को मिलती है, और कई बार पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि थोड़ा संभाल के रखो यार, लड़की तुम्हारी जो है वो ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, ज्यादा जोश में रहते हैं। जो भी है, इस मैच में काफी कुछ हुआ था, फजल फारूकी जो है उन्होंने भी शदाब खान को जैसे आउट किया था उसको लेकर अभी तक चर्चा चल रही है, कई लोग गलत मानते हैं, क्रिकेट डिस्प्यूट के खिलाफ मानते हैं, कई लोग कहते हैं रूल और फ्लॉप।